अस्सलाम वालेकुम। रोजे पढ़ना जी, थोड़े से सवाल किए थे, थोड़े से थी वैसे, थोड़े से थे यार। अच्छा, मैंने कितने गए थे? नहीं, घंटे का कितनी देर लगेगी? एक घंटा का था तो दो घंटे लगे। हाँ, चलिए जी, मैं अपने पास वापस देता हूँ, एक घंटा नहीं, दो घंटे लगे। अब भाई आप नहीं कर रहे थे, आपका फायदा था, कर लिया तो आपका फायदा ना, मुझे मेरे थोड़ी अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए से। अच्छा, सवाल आपने किए होंगे, अगर नहीं किए तो अभी बंद करें सवाल करें जाके, क्योंकि अब मैंने ऑनवर्ड रिकंसिलिएशन और पहले सारा सवाल रिकंसिलिएशन का, फिर सवाल का लेवल बढ़ा लूंगा। तो आपने अगर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कहे थे वो नहीं किए तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको, तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी उठें और जाके वो सवाल करें। हाँ जी। अच्छा जी, हमने वेरिएंस सारे पढ़ लिए थे। अच्छा, जो सेल वेरिएंस पढ़ा था ना मैंने, इसके बारे में ये जो आई कैप अपने साइट पे ना, स्टूडेंट सेक्शन में जहाँ सारी ऑनलाइन बुक्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर एक सिलेबस वगैरह के साथ एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस भी मौजूद है, जो आज फेस पास पर भी फ्लोट कर रही है, एक पेज है एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस का। उसमें एक मैंने बात लिखी हुई है कि जो सेल वेरिएंसेस हैं वो टेस्ट नहीं होंगे। मुझे नहीं पता है क्या सोच के लिखा है, मुझे इसके पीछे करेक्शन नहीं पता ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि हो सकता है शायद, जो मुझे लग रहा है कि सेल्स के ना कुछ एडवांस वेरिएंसेस भी हैं, ये बीएफडी में है। मटेरियल के कुछ एडवांस वेरिएंस हैं वो हमने पढ़ने हैं यहाँ कैप के अंदर, सेल के वेरिएंसेस हैं एडवांस वो यहाँ नहीं, वो बीएफडी लेवल के हैं। हो सकता है उन्होंने वो सोच के जवाब दिया, क्योंकि जो आई कैप की एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस है ना, इसमें इस तरह की मंगियां पहले लग चुकी हुई हैं कि वो मसला था नहीं जिसको लिख दिया, तो इसमें जो लिखा ना सेल वेरिएंसेस टेस्ट नहीं होंगे, मेरे ख्याल में शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि एडवांस लेवल वाले टेस्ट नहीं होंगे। चलो फर्स्ट कर लेते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमने जो दो फॉर्मूले थे ना ये टेस्ट नहीं करने, अगर ये दो फॉर्मूले नहीं करते ना तो वो जो इस चैप्टर में रिकंसिलिएशन है वो फिर जाया हो जाती है, रिकंसिलिएशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के मुश्किल सवालों के अंदर प्रॉफिट निकलवाया जाता है, वो प्रॉफिट वाली बात खत्म हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर उसने सेल वेरिएंस नहीं टेस्ट करना, रिकंसिलिएशन टेस्ट नहीं करनी, तो फिर सवाल के फिर चैप्टर के सवाल वो नहीं रह जाएंगे जो अभी हैं। तो उसमें मेरी राय यही है कि दो फॉर्मूले हैं, क्या है सेल वेरिएंस तो मुश्किल है, प्राइस वेरिएंस वाली मुश्किल फॉर्मूले थे, तो अगर ये दो फॉर्मूले कर लेंगे तो क्या खर्च है, नहीं करेगा टेस्ट, नहीं करेगा टेस्ट। अगर रिकंसिलिएशन का सवाल उन्होंने गाइडेंस में लिख दिया कि हम सेल वेरिएंसेस टेस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट कर लेते हैं कि जो सवाल बनाने वाला है वो उसी फ्लो के अंदर सवाल बना जाए और रिकंसिलिएशन पूछ जाए, हो जाए इसमें सेल वेरिएंसेस टेस्ट, क्या होगा कल? हम लोग कॉलेज लेवल पर उनको कहेंगे कि आपने क्या किया है, ये तो नहीं करना चाहिए था, आपने तो कुछ एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस के अंदर कहा था कि हम नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करना चाहिए था, वो भी गलती हो गई, चले हम बच्चों को अकोमोडेट कर लेंगे, अब अकोमोडेट कर लेंगे, नंबर से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वो जो सवा तीन घंटे में आपने ये टॉपिक छोड़ दिया हुआ था और वेरियस का सवाल आया रिकंसिलिएशन वाला, उस वक्त जवाब क्या होंगे? पेपर कट हो जाएगा। आप सोचेंगे ये तो एग्जाम स्पेसिफिक गाइडेंस मना किया था, ये पूछ लिया, पहले तो इस शॉक के अंदर आपका टाइम निकलेगा थोड़ा सा, फिर उसके असरात आएंगे, उसके असरात बाकी सवाल भी पड़ेंगे, और अगर असरात ऐसे पड़ गए कि आपका अच्छा तैयार किया हुआ सवाल भी इफेक्ट हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिर जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले याद करने में कितनी तकलीफ नहीं होगी, जो अगर इसका पेपर में सवाल आ जाने पर तकलीफ होगी, तो इसलिए आप कर लेते यार, अगर नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन अगर आ गया फिर, और अगर आप ये कहें कि नहीं सर तो सिलेबस के बाहर वाली चीज़ें याद कर, सिलेबस के बाहर वाली चीज़ नहीं बात हो रही, वो डिफरेंट चीज़ है, ये बुक के अंदर सब लिखा हुआ है, इसके सवाल सारे मौजूद हैं, सवाल आते भी हैं, सारा कुछ टेस्ट होता है, मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो वेरी सारा पॉइंट लिखा गया है, लेकिन अगर हम कर लें तो उसमें हर्ज कोई नहीं है, तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, बाकी अगर आपसे को कहता कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा, तो आपकी मर्जी, ना करें, दो फॉर्मूले हैं ना, और क्या है इसमें ऐसा, तो इसलिए मैंने आपको करवाया है सेल वेरिएंसेस। अच्छा, वेरिएंसेस आपको सारे बता दिए थे, और पेज नंबर थ्री के एंड पे जो मैंने एग्जाम नोट्स का डब्बा बनाया था उसमें से बुलेट पॉइंट थ्री और फोर पढ़ा दिया था, नहीं हाँ थ्री और फोर हमने पढ़ लिया हुआ है, वन टू और फाइव मैंने अभी नहीं समझाया। अब ऐसा करते हैं कि इसके जो आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं, मुझे उम्मीद है आपने किए हैं, अब इस अगले टॉपिक पे आते हैं, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने जमाने जमाने तो पिछली क्लास में बताई दिया था कि बजट प्रॉफिट से स्टार्ट किया, एक्चुअल प्रॉफिट के दरमियान जो डिफरेंस है उसी के रीजन ढूंढना है, तो वेरिएंस एनालिसिस है। तो अगर हम बजट प्रॉफिट से स्टेटमेंट स्टार्ट करें, सारे वेरिएंसेस उसमें प्लस माइनस करते जाएं और एंड आंसर किसे टैली करना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट, बस ये रिकंसिलिएशन। और बजट से ही स्टार्ट करना, बजट से ही स्टार्ट करना, एक्चुअल से ना स्टार्ट करना, साइन बदलने पड़ेंगे, अभी हम जिन साइंस के साथ ना उनके साथ रिकंसिलिएशन बन जाएगी, अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट से स्टार्ट कर दिया तो फिर साइंस चेंज करने पड़ जाएंगे, तो बजट से ही स्टार्ट करना है। तो इस रिकंसिलिएशन, अगर आप रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है तो उसका मतलब सारे वेरिएंसेस रिक्वायर्ड है। पेज फोर पे देखिए, टॉपिक ये जो वेरिएंस के नोट्स हैं, पेज फोर पे देखिए, स्टार्टिंग किसी वजह से बजट ग्रॉस प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर हमने सारी कॉस्ट सिर्फ वही लिखी जो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल ही हमने कंसिडर किया ना, कहीं फॉर्मूले में वेरिएंस वगैरह में हमने सेलिंग आइटम तो नहीं देखे, तो इसकी जीपी तक ही बात रहती है, तो जीपी से शुरू किया, बजट जीपी से एडमिन सेलिंग का वेरिएंस से बता देते हैं। उसके बाद क्या क्या देखें, सेल वेरिएंसेस ये सिर्फ तमीज से लिखे हुए हैं, सेल वेरिएंसेस अलग कर दिया, कॉस्ट वेरिएंसेस अलग कर दिया, तो सिर्फ तमीज से लिखे हुए हैं कि इनर कॉलम में वेरिएंस लिखे, इनका नेट टोटल किया और बैक कॉलम में चला गया, तो आप सारे वेरिएंसेस को देख लें, ये सब जो पढ़ के आए, अच्छा इसमें गरीब बात अगर लग रही हो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिखा हुआ है, मटेरियल यूजर वेरिएंस लिखा हुआ है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों लिखा हुआ, वो इन्हीं का तो टोटल था, अगर वो भी यहाँ लिख दिया तो फिर तुमने डिफरेंस डबल डबल लिख दिया, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को तो ब्रेक किया हुआ है, तो इसलिए वो जो कॉस्ट वेरिएंस है ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वो नहीं लिखने रिकंसिलिएशन के अंदर, वो तब है अगर नाम लेके मांगे हो तो, वरना नहीं है वो।
हाँ जी, शक्ल देख लीजिए स्टेशन की। इसमें सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखी है, फिक्स्ड ओवर वॉल्यूम वेरिएंस, ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्या मतलब हुआ इसका? अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो रिकसेशन में लाइन नहीं आएगी क्योंकि उसमें तो वॉल्यूम वेरिएंस होता ही नहीं। अच्छा, अब इसके नीचे वाला जो डब्बा है एग्जाम नोट्स का, उसमें से पहला पढ़ लें, सिंपल सा है। ठीक है, जितने वेरिएंस उन्होंने निकाले हुए ना, फेवरेबल एड है और एडवर्स लेस है। बल्कि ये भी मैंने खाकर लिख दिया, असल बात इतनी है कि जो वेरिएंस आपने निकाले हुए हैं, जिन साइंस के साथ निकाले हैं वो साइंस के साथ लिखें, जिस हालत में निकाले हैं उस हालत में लिखें। फेवरेबल पॉजिटिव निकले, यहां पॉजिटिव आ जाएंगे, एडवर्स नेगेटिव निकले, यहां नेगेटिव आ जाएंगे। तो जिस तरह से निकले वेरिएंस हैं बस यहां लिख लें, इसलिए मैंने कहा बजट प्रॉफिट शुरू करना। अच्छा, दूसरा बड़ा पॉइंट भी पढ़ लें, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड वाली बात समझ आ जाएगी, मटेरियल वाली बात अभी फिलहाल समझ नहीं आएगी, लेकिन पढ़ लें इस एग्जाम नोट के डब्बे में दूसरा बड़ा पॉइंट पढ़ लें। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस की जगह फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस आ जाएंगे, अगर अलग से नाम लेकर सवाल में पूछे तो। यानी अगर आपको सवाल के अंदर कहा जाता है कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस एंड आल्सो कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस कैपेसिटी वेरिएंस, तो ये जो रिकंसिलिएशन में आखिरी लाइन लिखी हुई है इसकी जगह दो लाइन आ जाएगी। और अभी पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन आगे चलकर पढ़ेंगे, यूजेज वेरिएंस के बिना दो टुकड़े हो जाते हैं, एक यील्ड वेरिएंस और एक मिक्स वेरिएंस। तो अगर वो भी सवाल में नाम लेकर पूछे हुए तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस की लाइन की जगह ये दोनों लाइन आ जाएंगी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये होते पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अच्छा पिछले पेज वापस आए और एग्जाम नोट्स का पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें। ये आपको पढ़ के शायद अभी इतना क्लियर ना हो, लेकिन जो कहा है पहले उसका ट्रांसलेशन समझ आ जाना, क्या हो सकता है सवाल में आपको स्टैंडर्ड कार्ड डिटेल डिटेल्स मेरी बनाते हैं, जो मैंने तीन कॉलम बनाए थे, क्वांटिटी का, रेट और आगे अमाउंट का, इसलिए बनाते मेरी। अगर क्वेश्चन में नहीं इस तरह से दिया हुआ तो आप बेहतर है कि बना लें, ये मैं हर सवाल के साथ साथ आपको बताया करूंगा बार बार। अच्छा जी, इसमें से पहला पॉइंट पढ़ लिया, दूसरा पांचवा रह गया, दूसरा बस ठीक है, ये बाद में फिर बताऊंगा। चलिए, आप ऐसा करते हैं कि मैं एक सादे सवाल से शुरू कर रहा हूं जिससे हम रिकंसिलिएशन की प्रैक्टिस करते हैं, और इस सारे सवाल को करने के बाद फिर एग्जाम की मुश्किल सवाल पर जाएंगे। जो सारा सवाल है ना, ये आई कैप के पुराने क्वेश्चन बैंक में होता था, फिर नए क्वेश्चन बैंक से उन्होंने निकाल दिया, पता नहीं क्यों निकाल दिया, और ये मैंने फिर अलग से पीडीएफ फाइल अपलोड की है, तो उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन के नाम से एक फाइल अपलोड की है, वो खोलिए और पढ़ लें। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड कार्ड दिया हुआ है, प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड शक्ल में नहीं, तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड नहीं दिया हुआ या आपको सवालों के प्रैक्टिस आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड है कौन सा नहीं है, तो आप इसको फिर वर्किंग में स्टैंडर्ड कार्ड बना लीजिएगा। बेशक आपको लगे नहीं सर, ये तो टाइम जाया कर रहे हैं, ये फॉर्मुला में ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन नहीं, फिर भी आप बात मान लेना और स्टैंडर्ड कार्ड बनाएं, आदत रख लें इसकी। अगर आपको लगता है टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लें, लेकिन सवाल गलत करने से बेहतर है कि आप दो मिनट एक्स्ट्रा लगा लें। अभी मैं स्टैंडर्ड कार्ड बनाता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अगर आपको लगा नहीं सर, देखिए 5 मिनट लगे, तो ये टाइम आपको वैसे भी लगना ही था जब आपने वेरिएंसेस निकालते हुए, जो मेहनत मैं अभी कर रहा हूं, ये मेहनत आपने वेरिएंसेस निकालते हुए करनी ही थी, तो टाइम तो लग ही जाना था, लेकिन उसमें गलती क्या होनी थी वो बताता हूं आपको। चलिए वर्किंग में, बल्कि वर्किंग आप सवाल शुरू यहां से करते हैं, स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं, क्वांटिटी, रेट और इसकी टोटल अमाउंट। जी, डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं पहले, डायरेक्ट मटेरियल 2.5 किलो लगेंगे और 1 किलो होगा 50 का, तो यहाँ कितना आ गया 125, 50 और 125 में क्या फर्क है, 50 का और 125 क्या है, 50 मटेरियल के 1 किलो का रेट है और 125 प्रोडक्ट का 1 यूनिट बनना है, उसमें 125 रुपए का मटेरियल लगना है, ये दोनों में फर्क है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के लगेंगे 2 घंटे 100 200। अच्छा, ये भी हमें फर्क पड़ना करना पड़ेगा सवाल में कि मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल है कि अडॉप्शन कॉस्टिंग, यानी बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है कि अडॉप्शन कॉस्टिंग फॉलो करता है, कैसे पहचाने?
कैसे पहचाने? सवाल देखिए कैसे पता चल रहा है। स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का जिक्र आ गया, तो स्टैंडर्ड कार्ड में फिक्स्ड ओवरहेड है तो बिजनेस अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है, तो स्टैंडर्ड के अंदर फिक्स्ड रखता है, तो ये अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है बिजनेस। वेरिएबल ओवरहेड्स, अच्छा मैंने उस दिन बताया था, दोबारा बता देता हूं कि वेरिएबल ओवरहेड्स या तो लेबर आर्स के साथ लिंक होंगे या मशीन आर्स के साथ लिंक होंगे। अगर मशीन आर्स के साथ लिंक होंगे तो बताया होगा कितने मशीन आर्स, लेकिन अगर लेबर आर्स के साथ लिंक है तो कितने लेबर आर्स, यही वाले। तो इनके बारे में कहा है कि 25 रुपए पर डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं, तो लेबर से लेंगे ना तो यही 2 घंटे यहां आ जाएगा, 25 रुपए 50। और अगर वेरिएबल ओवरहेड इसके साथ लेंगे तो फिक्स भी इसी के साथ लेंगे, क्योंकि ओवरहेड इसके साथ लेंगे तो फिक्स में भी फिर हम यही 2 घंटे लिखेंगे। इधर लिखो ये 10 रुपए ये दिया हुआ, 10 रुपए ये दिया हुआ। अच्छा अगर तो सवाल में सिर्फ वेरिएंसेस थे तो ये काफी है, ये चीज ये दो कॉलम की तीसरे कॉलम की जरूरत नहीं है अगर सवाल में सिर्फ वेरिएंसेस है, लेकिन अगर सवाल में रिकंसिलिएशन है यानी प्रॉफिट भी निकालना है हमने, तो फिर इस कॉलम की जरूरत है और इसका टोटल कर लेते हैं। तीन तो एक यूनिट कितने रुपए कॉस्ट करेगा, एक यूनिट कितने रुपए का बिकेगा, कितने का, तो एक यूनिट के ऊपर स्टैंडर्ड कितना 215, ये स्टैंडर्ड कार्ड बन गया। अब ये हमारे काम आएगा वेरिएंसेस निकालने में। अच्छा अब ये हमें हेल्प करेगा वेरिएंसेस में भी और आगे रिकंसिलिएशन में भी। रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है सवाल में, आप ये भी कर सकते हैं कि रिकंसिलिएशन से स्टार्ट करें और वेरिएंसेस वर्किंग में निकाल दें, ये भी सही है, या आप वेरिएंसेस ही निकालें और एंड बड़ी सी हेडिंग देना रिकंसिलिएशन ताकि पेपर मार्कर को नजर आ जाए कि हाँ ये अब रिकंसिलिएशन बनने लगा, तो पहले वेरिएंसेस निकालें रिकंसिलिएशन बाद में बना दें या पहले रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट लिख के वेरिएंसेस वर्किंग में कर दें, दोनों बातें सही है। मैं वेरिएंसेस निकाल लेता हूं पहले, क्या यानी हम सिर्फ लिखें कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ऊपर लिखते हैं बजटेड प्रॉफिट, इधर लिखते हैं एक्चुअल प्रॉफिट और दोनों का डिफरेंस एक ही लाइन लिख के और ये कह देते हैं ऑल वेरिएंसेस। तो फिर तोड़ना है, तो तोड़ना है ना, वरना तो ये कहते हैं ऑल वेरिएंसेस, तोड़ना है तो तोड़ के बता रहे ना। देखिए यही तो हमारा पर्पस था तोड़ने का, कि क्या क्वांटिटी ज्यादा लग गई मिला महंगा है, हाँ ये है कि फिक्स्ड ओवरहेड में उतनी डिटेल में एफिशिएंसी और कैपेसिटी तब जाए जब कहा, वरना वॉल्यूम तक काफी है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर सुना तो रात को अपडेट हो गया, नहीं सुन के आप फार्मूला भी लिखना, वैसे एग्जाम में जरूरी नहीं है फार्मूला लिखें, आप सिर्फ फिगर्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आई रिकमेंड क्या फार्मूला लिखना, क्या फार्मूला, एक्चुअल क्वांटिटी सेल इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, आप ये फार्मूला लिखना। एक्चुअल क्वांटिटी सेल कितनी है, हमने साल कितना यूनिट बेचे एक्चुअली, 480,000। अच्छा ये चीज ये तो टोटल गिवन है ना, ये क्या होती है, ये क्या है, तो वही लिख देते हैं टोटल सेल्स, प्राइस नहीं टोटल सेल्स कितनी है 295,000 माइनस ये कितने 480,000 इंटू 600 क्या अंतर आ गया, हाँ नहीं कोई बात नहीं, हाँ हाँ 7 मिलियन नहीं नहीं बस लिख दिया, लिख दिया बस आंसर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो नेगेटिव देता, बस ये सेल प्राइस वेरिएंस। अच्छा अब एक ये बात की फार्मूला लिखने को मैंने क्यों कहा और दूसरा एक बच्चों वाली बात बताने, क्योंकि बच्चे बच्चे भी छोटे छोटे, पहले ये बात कि मैंने क्यों कहा फार्मूला लिखने को, एग्जाम लेवल पे इसकी बजाय आप डायरेक्ट ये करते हैं काफी है, काफी आई बात, लेकिन मैंने फार्मूला लिखने को कहा है इसलिए कहा है कि आप अगर ये फार्मूला जहाँ लिखेंगे तो फार्मूला कहाँ होगा, ये चीजें ढूंढी तो है ना आपने, फिर फार्मूला कहाँ होगा, दिमाग में लेके चल रहे होंगे, दिमाग में फार्मूला लेके चल रहे होंगे और चीजें ढूंढ रहे होंगे और ढूंढ ढूंढ के यहाँ लिख रहे होंगे, तो जब मोबाइल पे ज्यादा प्रोग्राम खोल लेना तो हैंग होना शुरू हो जाता है ना, तो अपने दिमाग पे इतना लोड मत डालना, फार्मूला सोच के पहले यहाँ लिख लें, अब जो सामने लिख लिया है वो एक एक करके ढूंढ के लिए सवाल से, अगर जहन पर लोड रखेंगे ना फार्मूला लिखेंगे तो लोड रहेगा, तो एक फार्मूला लिखने को कह रहा हूँ। दूसरा इसका पॉसिबल
फायदा हो सकता है, इस पे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपने अगर फॉर्मूला सही लिखा है और आप फिगर्स निकालते में कोई गलती कर गए, तो हो सकता है एग्जामिनर को लगे लेकिन फॉर्मूला तो उसको ठीक आता है, कुछ हो गई गलती, और इस वेरिएंस का अगर एक नंबर है तो हो सकता है आधा नंबर दे, ये फॉर्मूला इसको आता है इसका मतलब है ये सही, लेकिन फिगर पिक करने में गलती कर गया, हो सकता है आधा नंबर दे, हो सकता है सारे वेरिएंसेस आपने गलत निकाले हो लेकिन सबके फॉर्मूला ठीक लिखे, हो सकता है सवाल में तीन नंबर दे दे कि आपको फॉर्मूला आते हैं, हो सकता है ऐसा, तो ये फॉर्मूला लिख लेना बेहतर है, तो फॉर्मूला लिखने की रीजन। दूसरी एक बात जो है बच्चों वाली, लेकिन आप गलती करेंगे इसलिए बता रहा हूं, जब मैं रिकैल्कुलेशन बनाऊंगा उसमें मैं वेरिएंसेस बेशक थाउजेंड में लिख लूं, अभी मैंने मिलियन लिखा, 7 मिलियन मतलब 6-7 डिजिट लिखे मैंने, हो सकता है मैं रिकल्सेशन जब बनाऊं तो जितना सवाल में लिखा हुआ रिपीजन थाउजेंड करके, हो सकता है मैं वैसे लिख लूं, लेकिन आप जब ये कैलकुलेशन करें ना तो आप पूरी फिगर लिखना, सवाल में ये मैंने दिया क्या किया सवाल में रिपीजन थाउजेंड कह के सवाल में लिखा, कोई नजर आ रहा है, मैंने 3 जीरो खुद लगाए, आपको सवाल में लिखा नजर आ रहा है, क्यों मैंने 3 जीरो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो 295000 लिखा है ना ये असल में रिपीजन थाउजेंड था, कैलकुलेटर को नहीं पता ये बात, आपने जहन में रखा होगा कि 295000 आने 3 जीरो और भी है, लेकिन यहां तो ये लिखा आपने, अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेटर ये फिगर ये उठाएगा जो आपने लिखी होगी और ये पूरी कैलकुलेट कर देगा, गलत हो जाएगा कैलकुलेटर का आंसर, आप कैलकुलेटर कैलकुलेटर की जल्दी बात समझ पाएगा कि आपके दिल में है कि नहीं असल में जीरो और भी है, आप तो जो यहां लिखेंगे वही आप कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे, तो जब कैलकुलेटर पर टाइप करते हुए आप 295000-480000-600 करेंगे, क्योंकि सवाल में ये दोनों फिगर ऐसे ही गिवन है और ये फिगर इस तरह की गिवन है, तो जब आप ये शक्ल कैलकुलेटर पर लिख जाएंगे तो आंसर गलत निकल देगा, तो इसलिए आप फॉर्मूलों के अंदर पूरी पूरी फिगर लिखना, ठीक है, या तो आप इतने काबिल हो ना कि आप इस चीज को मैनेज कर सकें कि अगर आपने ये 3 जीरो यहां लिखे तो बड़ा कैलकुलेटर के ऊपर ये 3 जीरो भी देना, ठीक है, अगर तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेटर के ऊपर पूरा पूरा लिखना, एक बार उसको पूरा लिख लें, फिर अब जब ये आंसर आ जाएगा तो अभी आंसर आपके सामने है, अब आप चाहें तो रिकंसेशन में 7 लिख दें ऊपर रुपीजन मिलियन कह के, 7000 लिख दें ऊपर रुपीजन 1000 कह के, या 7 का 6 जीरो लगा दें ऊपर रुपीज लिख के, वो फिर आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन एक बार उसको सॉल्व पूरा कर लें, सेल वॉल्यूम वेरियंस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एडॉप्शन वाला, यानी एक्चुअल क्वांटिटी सेल माइनस बजट क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमने बेची है 4,80,000 जबकि बजट सोची थी 5 लाख और स्टैंडर्ड प्रॉफिट को निकाला है 215 4.3 मिलियन एडवर्स, ये सेल वॉल्यूम वेरिएंस हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला, अच्छा मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमें एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस के अंदर हमने पढ़े थे केस 1 केस 2, एक में मटेरियल प्राइस वेरिएंस यूज्ड पे निकाल रहे थे और एक में परचेज पे निकाल रहे थे, तो इसलिए आपको सवाल में देखना पड़ा करेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस से पहले कि कौन सा केस है, केस 1 है कि केस 2 है, केस 1 ये था कि परचेज और यूज्ड बराबर है, केस 2 था कि परचेज और यूज्ड बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो आगे फिर दो बातें थी कि एंट्री वैल्यू रेट स्टैंडर्ड है कि एंट्री वैल्यू रेट एक्चुअल है, तो उसमें देखना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअली मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ ये तो बता दिया है, 950,000 खरीदा कितना था ये बताया, तो फिर हाँ मटेरियल की एंट्री बताई, उसने जो बताया ना रॉ मटेरियल की एंट्री भी नहीं बताई, परचेज भी अच्छा नहीं बताई, बस 950,000 दिया तो निकालना गया टेबल से बाहर निकालना इसको, तो इतना ही परचेज किया होगा, तो इसलिए यही परचेज यूज बराबर है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और ये फिगर आपको दी हुई है, ये फिगर दी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 50 लिखो 25 लिखो, मटेरियल के वेरियंसेस के लिए आपने यही बल्कि इंडिविजुअल वेरियंसेस के लिए इस्तेमाल करने हैं, ये सिर्फ तब इस्तेमाल होना था जब मैंने प्रॉफिट निकाला बस, या आगे चल के मैंने एक फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन भी चीज करानी है तब ये इस्तेमाल होगा, बस वेरिएंसेस के लिए ये इस्तेमाल होगा, इसमें से वेरिएंसेस के लिए ये इस्तेमाल होना ये इस्तेमाल नहीं होना, इसका इस्तेमाल सिर्फ तब है जब या तो प्रॉफिट निकालना है या फिर आगे चल के सवाल आएंगे जिसमें हम फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाल रहे होंगे उसमें ये इस्तेमाल होना, ये बात देखें बस कि स्टैंडर्ड कार्ड में जो रेट्स है ना इनको इस्तेमाल करना है वेरिएंसेस के लिए, इसको वेरिएंसेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, ये वाला कॉलम टोटल तब इस्तेमाल होगा जब या तो प्रॉफिट निकालना है या कुछ सवालों में आप देखेंगे हम फिनिश गुड्स इन्वेंटरी की वैल्यू निकाल रहे होंगे, बस सिर्फ तब इस कॉलम का इस्तेमाल है, वेरिएंसेस के लिए सिर्फ इस कॉलम का इस्तेमाल है, इन दोनों को ये बात लिखें आप लोग लिखें ये बात, वेरिएंसेस के लिए इनका इस्तेमाल होगा और इसका इस्तेमाल या तो प्रॉफिट निकालने के लिए या फिनिश गुड्स इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी होगी कुछ सवालों के अंदर उसमें इस्तेमाल होगा, वरना वेरिएंसेस के लिए ये दो कॉलम चाहिए बस, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या लिखूं 50 एक्चुअली कितने किलो 950 माइनस ये दिया हुआ सवाल में एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दी है 55 मिलियन
75 मिलियन नेगेटिव मटेरियल यूजेज वेरियंस। मुझे बुक देनी दोस्त ठीक है देनी थी ना बुक सिर्फ हाँ बेटी मटेरियल यूजेज वेरियंस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा ये जो फार्मूला मैंने ये फरफर यहाँ लिख दिया ये मुझे पैदाइश याद थे फार्मूले याद किए मैंने भी याद ही किए तो आपको याद करने पड़ेंगे याद हो जाएंगे तो अच्छे फरफर हो जाएगा। 15 साल नहीं भाई ये तो 3 साल मुझे पढ़ाते हुए कितना टोटल मटेरियल लगना चाहिए था एक्चुअल कितना यूनिट बनाए हमने 480,000 ढाई किलो के हिसाब से कितना किलो लगने चाहिए थे। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप चलिए शुरू शुरू में लिख लिया करें बात ये जब आदत हो जाए तो ये आंसर लिख लिया करना माइनस 50 इंटू 950 एक्चुअल किलो 950 लगे ना ये 105 मिलियन जी 6 मिलियन नेगेटिव लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर माइनस चलो शाबाश स्टैंडर्ड रेट 100 रुपए इनटू स्टैंडर्ड आर 1 मिनट पे 2 घंटे लगने चाहिए थे तो 480,000 रुपए 960 अगर 960 नहीं समझ आ रहा तो आप बेशक इसकी जगह पर 480 इनटू 2 लिख लें। स्टैंडर्ड आर्स क्या है जितने एक्चुअल यूनिट्स बनाए उनके लिए इतने घंटे लगने चाहिए थे तो 480,000 इनटू 2 स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी जितने एक्चुअल यूनिट्स बनाए उनके लिए इतने किलो लगने चाहिए थे 480 इनटू 2.5 माइनस 100 रुपए इनटू एक्चुअली कितने घंटे लगे 990 मिलियन वेरिएबल ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड्स खर्चा वेरिएंस इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट 25 से 50 25 माइनस एक्चुअल आवर्स यही लेबर वाले तो उसका फायदा ये है कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ये 990 माइनस ये दिया हुआ है 26 मिलियन बारह पचास एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ये वाला मतलब स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स और क्योंकि लेबर से लेंगे तो आसानी हो जाती है ये निकाल चुके हैं ऊपर आवर्स रेट बस 100 की जगह 25 कर लेते हैं 25 इनटू 960 माइनस 25 इनटू 990 जी मैंने इसको बंद कर दिया
100 की जगह 25 है ना, बाकी 8 तो वही है, तो मैं इसको बंदा बोलता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्पेंडिंग वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होता है बजटेड माइनस एक्चुअल। जबरदस्त, बजटेड माइनस एक्चुअल, तो बजटेड भी दिए हुए हैं, एक्चुअल भी दिए हुए हैं। बजटेड कितने थे? नहीं दिए हुए, नहीं दिए हुए। अच्छा, बजटेड आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था बजटेड स्टैंडर्ड इनटू बजटेड आर्ट्स। और अगर आपको ये ज्यादा आसान एक बात लगे, जबानी बता रहा हूँ आसान लगे, तो ऐसे हो जाएगा 5 लाख यूनिट बजट किए थे और 10 रुपये पर यूनिट फिक्स था, तो फिक्स ओवरहेड बजट कितने हुए? 5 मिलियन, 5 मिलियन, 10 पर यूनिट दिया हमें ना, नहीं करना ऐसे, कोई मसला नहीं है। स्टैंडर्ड आर्ट्स कितने, सॉरी बजट आर्ट्स कितने, बजट आर्ट्स 1 यूनिट के लिए 2 घंटे, तो 5 लाख यूनिट के लिए 1 मिलियन, तो 1 मिलियन इंटू 5 रुपये करना, स्टैंडर्ड रेट इंटू बजट आर्ट्स, ये मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था। और साथ में एक और करके भी लिखा था कि जगह है, आप लिख लें, मैंने लिखा था कि स्टैंडर्ड रेट अगर यूनिट दिया हुआ है तो अप्लाइड के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन और बजट के लिए बजट प्रोडक्शन, मैंने इस जगह करके लिखा था, मुझे याद है। मैंने कहा था जो वेरियस के नोट्स हैं उनमें जो फिक्स ओवरहेड वाला पेज था, पेज 3 था शायद, उसके टॉप पे डब्बा बना हुआ था, उसमें बजटेड फिक्स ओवरहेड और अप्लाइड फिक्स ओवरहेड का फार्मूला लिखा हुआ था मैंने, और कहा था कि साथ जगह है तो आप ऐसा करें, एक और चीज लिख लें, स्टैंडर्ड रेट अगर पर यूनिट दिया हुआ है तो इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये अप्लाइड बोला था, और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इनटू बजटेड प्रोडक्शन, ये बजटेड कहा था, किया था, ऐसे किया था, लिखा था, तो 5 लाख प्रोडक्शन यूनिट्स बजटेड और 10 रुपये पर यूनिट, तो 5 मिलियन, तो बजटेड फिक्स ओवरहेड हो गए 5 मिलियन, और एक्चुअल दिया हमें, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितने आ रहे, तो 1 लाख रुपए एडवर्स आ गया। अब रह गया फिक्स्ड ओवरहेड्स, वॉल्यूम वेरियंस, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होती तो ये होता ही ना, अप्लाइड माइनस बजटेड, तो अप्लाइड के लिए भी आप चाहें तो आर्ट्स वाला फॉर्मला ले लें, मर्जी आपकी, चाहे तो पर यूनिट वाला फॉर्मला ले लें, मर्जी आपकी, आर्ट्स वाला करना है वो भी सही है, आर्ट्स हमने निकाले तो हुए हैं, स्टैंडर्ड आर्ट्स कहते हैं ना वो निकाले हुए हैं, ये स्टैंडर्ड आर्ट्स है, तो 5 रुपये इंटू स्टैंडर्ड आर्ट्स, ये अप्लाइड आ जाएंगे, चाहे ऐसे करना है ऐसे कर लें, वरना 10 रुपये पर यूनिट है, अप्लाई कैसे निकालें, 10 रुपये पर यूनिट है ना, अप्लाई कैसे निकालें, इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो 10 रुपये इंटू 4 लाख का सीधा कर लें, चाहे 5 रुपये इंटू स्टैंडर्ड आर्ट्स कर लें, जो मर्जी कर लें, माइनस बजटेड ओवरहेड्स, ये वहाँ निकालें 5 मिलियन। वेरिएंसेस हो गए पूरे, अब इसके बाद बनाते हैं रिकंसिलिएशन। यार ये सारा फ्रेम है ना, एक बार ले लो जमीर, ताकि इसे नोट करना है, अगर मैं आगे होता था वहाँ से शुरू करके सारा ऐसा कर लो कि पॉज करने का टाइम मिल जाए बच्चों को। ओके, मुझे शादी में मूवी नहीं बन रही होती, तो कैमरा मूवी उन्हें मानो 10 स्किल कर लेते, तो 10 स्किल कर लेना बच्चे पॉज करके देख सके। ओके, पूरा रिकंसिलिएशन, रिकंसेशन सॉन्ग में रिक्वायर्ड थी रिकंसेशन बनाने का, अच्छा आप जब रिकंसेशन बना रहा हूं तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रुपीज मिलियन लिख लें, चाहें तो रुपीज इन थाउजेंड लिख लें, सवाल में थाउजेंड करके दिया हुआ है तो हम थाउजेंड लिख लेते हैं। बजट प्रॉफिट कैसे निकालो, हमें पता है कि एक यूनिट के ऊपर स्टैंडर्ड 215 रुपये प्रॉफिट होता है, तो बजट कितना यूनिट सोचे थे, 5 लाख, तो हमने बजट कितना प्रॉफिट सोचा था, 5 लाख इंटू 1000 में लिख लें, 107, सेल वेरियंसेस, सेल प्राइस वेरियंस, सेल वॉल्यूम वेरियंस, प्राइस वेरियंस कितना, 7000 एडवर्स, फेवरेबल, सेल वॉल्यूम वेरियंस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन जाएगा 27, कॉस्ट वेरियंसेस, मटेरियल प्राइस वेरियंस कितना, नेगेटिव, मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस, पॉजिटिव, लेबर रेट वेरियंस 6000 नेगेटिव, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, अच्छा इसमें वो आइडल टाइम वेरियंस ही निकाला मैंने, जब वर्क और पेड में फर्क हो तो आइडल टाइम होगा, तो यहाँ तो जिक्र ही नहीं था, कितना लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, अच्छा लिख लिया, वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरियंस 1250 नेगेटिव,
वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस ओके फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस 200 नेगेटिव
बाकी ठीक है सर। ये पॉजिटिव से नेगेटिव था 104 ये क्या निकला है? एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा सवाल में कहा नहीं है कि एक्चुअल प्रॉफिट भी निकालें, लेकिन निकाल के देख लेते हैं, दिल को तसल्ली हो जाएगी कि सवाल सही है कि नहीं। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालें? जो आखिरी टेबल में सारा कुछ एक्चुअल दिया हुआ है उसको नेट करके देख लें, सेल में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके देख लें, कोई वेरिएंस में लगता है गलती हुई यार। चाहे तो गलती ना, कोई वेरिएंस निकालने में गलती हुई है तो फिर मैं आंसर देकर बताता हूँ कि कहाँ गलती हुई है। चलिए सेल वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा है? सही है। प्राइस वेरिएंस 7000। सेल प्राइस वेरिएंस 7000 पॉजिटिव। मटेरियल प्राइस पॉजिटिव नेगेटिव कितना? इसका टोटल 47 बनता है। कैलकुलेशन देखें, फिर देखें 12500 6000 3000 1250 750 100 और 200 सही है। कॉस्ट वेरिएंस का टोटल भी सही नहीं है। और सवाल में जो है क्या आंसर आ रहा है? 103-900। चल सही, ये रिकंस्ट्रक्शन का एक सादा सा सवाल। हाँ ये भी तक आसान है, मुश्किल है? हाँ कर सकते हैं, कर सकते जी। एक और सवाल करें, कितने बजे शुरू की थी क्लास? हाँ तो एक सवाल और हो सकता है, ठीक है। अच्छा अभी जो एक और सवाल मैं दे रहा हूँ ना, इसको पॉज कर देना। अच्छा अभी एक और सवाल करते हैं, फिर अगली क्लास में मैं पास करके सवाल सिखाऊंगा। ये ये ना सवाल, जिनके पास पैक की बुक है उसमें पेज 298 पे लास्ट वर्ड 6 है,
ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में सवाल होता था, अच्छा सवाल है, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में होता था, पुराने क्वेश्चन बैंक में, फिर नए में से उड़ा दिया था, आई कैप की बुक से उड़ा दिया था, लेकिन सवाल अच्छा है। तो ये पैक में भी है और राइस की बुक में भी है। जिनके पास पैक की बुक है उसकी रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट और बना लीजिएगा कि मार्जिनल से भी और एब्जॉर्प्शन से भी रिकंसीलिएशन भी बनानी है। अभी रिक्वायरमेंट्स हैं रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाएं, बजटेड प्रॉफिट निकालें और एब्जॉर्प्शन से भी और मार्जिन से भी एक्चुअल प्रॉफिट निकालें। मैं इसकी एक और रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट आप और लिखने के इसको रिकंसेशन भी बनानी है। तो बड़ा कंप्रीहेंसिव बड़ा डिटेल सवाल है, मार्जिन से भी है एब्जॉर्प्शन से भी है। तो आप इसकी रिक्वायरमेंट एक और लिखने के रिकंसेशन भी बनानी है दोनों से। और जिनके पास राइस की बुक है उसमें यह सवाल था पेज 512 पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्यू इज एज फॉलोस। जो राइस की बुक है उसमें रिक्वायरमेंट वही है कि आप रिकंसेशन बना दें। तो असल सवाल में रिक्वायरमेंट यही थी, लेकिन पैक की बुक के अंदर इस रिक्वायरमेंट को खुद से चेंज कर लिया था कि स्टैंडर्ड कार्ड नया बना दें, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल दें, बजट प्रॉफिट निकाल दें। तो जो राइस की बुक है उसमें वही ओरिजिनल आईकैप वाला ही क्वेश्चन बैंक वाला सवाल है जिसकी रिक्वायरमेंट में रिकंसेशन मांगी हुई है। बस चलिए सवाल पढ़ लें, अच्छा सवाल है, मैं फिर बोर्ड पे करता हूं। पढ़ लें, बल्कि सवाल को करने में देर लग जाएगी। कितने बजे शुरू किया था क्या बता रहे हैं? 9:30। लेकिन आप लोगों ने तो इनकेस करना ही होगा। चलो खैर पढ़ लें तो करूँ। और एक आर का क्या रेट है? मल्टीप्लाई करें, ऐसे बना है जो मेन पेज पे लिखा हुआ है, ऐसे बना है 0.64। वेरिएबल ओवरहेड्स मशीन हाथ से लेंगे लेबर से 5 पॉइंट, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर, तो इसका मतलब लेबर से लेंगे, तो यही पॉइंट यहाँ लिखेंगे। और पॉइंट कितना आ जाएगा? तो वो जो 0.16 लिखा वैसे बना हुआ है। और चूंकि सवाल मार्जिन से भी करना है तो मैं यहाँ पर एक बीच में पड़ाव डाल रहा हूँ, कितना हो गया 3.8। अब मैं लिख रहा हूँ फिक्स्ड, क्योंकि मार्जिन से भी करना है तो मैं बीच में कोई ब्रेक लगाइए। अगर वेरिएबल ओवरहेड्स में 0.2R है तो यहाँ भी 0.2R ही है। यहाँ क्या लिखो 0.2 यहाँ लिखना है तो फिर यहाँ क्या लिखना 1 आएगा। ये भी आगे सवालों में हम देखेंगे कि आपको यहां से यहां या यहां से यहां आना पड़ा होगा। ये वेरिएबल फिक्स में भी सवालों के अंदर उलझाया होता है। सेल प्राइस कितनी है? 6 रुपए। तो चूंकि सवाल मार्जिनल से भी करना है इसलिए कंट्रीब्यूशन भी लिख रहा हूं। कंट्रीब्यूशन है 6 माइनस 3.8 2.2। और चूंकि सवाल एब्जॉर्प्शन से भी करना है इसलिए प्रॉफिट भी लिख रहा हूं, 6 माइनस 4। ये मैंने स्टैंडर्ड कार्ड बना लिया जी। कहाँ पर? ये हाँ जी, काट छोटा है।
हाँ जी ओके, रिक्वायरमेंट क्या सवाल की रिकंसेशन, तो अब इनके वेरियंस देखिए करके निकाल देते हैं। इसके वेरियंस निकालना होगा क्या आपका, रिकंसेशन मैं खुद बनाऊंगा अगली क्लास में, आपने इसके वेरियंस निकालने, इसके वेरियंस आप कर रहे हैं होमवर्क नोट कर रहे हैं, ये करेंगे तो फिर अगली क्लास में मैंने पांच पेपर का मुश्किल वाला सवाल कराना है। ये वेरियंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ये वेरियंस कैलकुलेट करके लाइएगा, मैं इसकी फिर अगली क्लास में रिकंसेशन बनाऊंगा, वेरियंस आपने करने कैलकुलेट। अच्छा गैदरिंग्स के वाले से मैं बात कर रहा था, सही बुखारी में रिवायत है, सईदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स, अच्छा ये भी अपने पर अप्लाई करके देखें बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके बैठने की जगह से ना उठाए कि खुद वहाँ बैठ जाए, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके बैठने की जगह से ना उठाए कि खुद वहाँ बैठ जाए। ये गैदरिंग्स में अपने फ्रेंड्स की फैमिली में इस चीज़ को जरा सोच के देखें कि किसी को उठा के चले उठो वहाँ बैठ जाके मैंने तो बैठना, तो यहाँ उसने फरमाया कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को उसके बैठने की जगह से ना उठाए कि खुद वहाँ बैठ जाए। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।